आज हमारा लेक्चर नंबर टू है माइक्रोबायोलॉजी यूनिट वन का। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे इसमें तीन चीज़ों के बेसिस पे, जो ऑर्गेनल्स जो हैं प्रोकैरियोट में कौन सी पाई जाती हैं, कौन सी प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती हैं, या फिर यूकैरियोट में कौन सी पाई जाती हैं और कौन सी नहीं पाई जाती हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो दोनों में पाया जा यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है बट प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। क्रोमोसोम जो है वो भी यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है बट प्रोकैरियोट में वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जो सेल की टाइप है कि सेल कैसा है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, यूजुअली मल्टीसेलुलर होती हैं, एंड प्रोकैरियोटिक जो होती हैं यूनिसेलुलर होती हैं। जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया मल्टी यूनिसेलुलर होते हैं, और इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा एनिमल सेल। लाइसोसोम देखेंगे। लाइसोसोम जो है प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में बट एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में। वैक्यूल है, प्रेजेंट इन लार्ज साइज, एंड वैक्यूल जो है प्रोकैरियोट में इन स्मॉल साइज। पॉइंट हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो कि दो टाइप का पाया जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं, और ये दो टाइप का होता है RER एंड SER। RER का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ER है वो यूकैरियोट में तो प्रेजेंट होता है बट अगर देखें प्रोकैरियोट के बारे में अगर बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है। वैसे अगला पॉइंट है गॉल्गी अपैरेटस। तो गॉल्गी अपैरेटस जो है यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है बट प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। सेल साइज के बारे में अगर बात करें कि सेल साइज क्या होती है दोनों की, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, तो हमारी यूकैरियोट की जो जनरल साइज होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, और जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं उसकी 1 to 10 माइक्रोमीटर तक पाई जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो ATP प्रोवाइड कराता है सेल को फंक्शन करने के लिए, जो कि एक मेन कंपोनेंट की तरह भी माना जाता है, तो यूकैरियोट में तो वो प्रेजेंट होता है बट ऐसा कुछ प्रोकैरियोट में नहीं होता है। यानी बैक्टीरियल सेल अगर एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है वो इसका जो है साइज, जनरली इसकी कैटेगरी हम किस में पढ़ेंगे, साइज में, तो राइबोसोम तो पाई जाती हैं दोनों में पाई जाएंगी, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में पाई जाती हैं, बट जो है यूकैरियोट में जो है हमारा लार्ज पाया जाता है और प्रोकैरियोट में स्मॉल साइज होता है राइबोसोम का। वैक्यूल के बारे में बात करेंगे तो जो वैक्यूल की साइज होती है, ये भी साइज की कैटेगरी में आएगा, तो जो वैक्यूल की साइज होती है यूकैरियोट में वो प्रेजेंट इन लार्ज साइज, ये लार्ज साइज में पाई जाती है, और प्रोकैरियोट की बात करें तो इसमें स्मॉल साइज में पाई जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगला पॉइंट्स अपना। तो तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।